ग्रेट गुड मॉर्निंग चैंपियन दोस्तों, पूरा विश्वास है कि आप खुश होंगे, आनंद में होंगे और मेरे वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं जिससे आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। दोस्तों क्या आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन रुक गया है? क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको मैसेज नहीं कर रहा, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया, उससे आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, यानी कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आ चुका है? चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मगर किसी कारणवश आपका उसके साथ संवाद या कम्युनिकेशन अगर बंद हो गया, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसमें मैं आपको एक ऐसा पावरफुल स्विचवर्ड बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपका उसके साथ कम्युनिकेशन वापस से स्थापित हो जाएगा और आपके रिलेशन पहले से बेटर हो जाएंगे। तो यदि आपकी लाइफ में भी ऐसा है तो आपको दोस्तों क्या करना है, एक पेज लेना है, प्लेन पेज, उसमें आपको ये स्विचवर्ड लिखना है, लिसन बिटवीन एक्ट ओपन। आपको ये ग्रीन कलर से भी लिख सकते हैं, आप इसे पिंक कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको उसको एनर्जी सर्कल के अंदर लिख देना है, यानी कि जैसे आपने ये लिखा उसके बाद एनर्जी सर्कल बनाना है। जब आप एनर्जी सर्कल बनाओ तो आपको एक बात खास ध्यान देनी है, जहां से आप सर्कल बनाना शुरू करो उसके बाद वहां पर ही आप उसे एंड करो। सर्कल थोड़ा बहुत परफेक्ट या इम्परफेक्ट भी हो सकता है, मगर सर्कल जैसा वो लगना चाहिए आप इसे लिख दीजिए। और जिस व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन बंद हो चुका है आप उसका ऊपर नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राम। तो आप भी जिससे भी कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, आप वापिस से कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित करना चाहते हैं, उसका नाम लिखिए। फिर उसके बाद आप इस एनर्जी सर्कल को क्या करना है, आपको नीचे रखना है, उसके ऊपर पानी की बोतल रख सकते हैं और उस पानी को देखकर आप 28 टाइम ये चैंट कर सकते हैं, लिसन बिटवीन एक्ट ओपन। आप ये 3 टाइम आपको उसको चैंट करना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात को 28 टाइम चैंट करना है। आप इस एनर्जी सर्कल को बना के कहीं पर वॉल में चिपका सकते हैं और आप उस वॉल में चिपकाइए जहाँ पर, जिस रूम में आप ज़्यादातर समय बिताते हैं। आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपका उसके साथ संवाद अच्छा हो जाएगा और आपका वापस से कम्युनिकेशन उसके साथ ओपन हो जाएगा। इस स्विच वर्ड को अप्लाई करिए और मुझे अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बताइए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग और वैल्यू एडिशन वीडियो आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिले, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और समाधान के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, नया नया सीखते रहिए और सफलता को प्राप्त करिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।